इस साल के आखिर तक 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और हर राजनीतिक पार्टी चाहती है कि चुनाव के ऐलान से मतदान के बीच हर चुनाव क्षेत्र में रैलियों का रेला लगा दे, लेकिन बीजेपी के लिए भीड़ जुटाना मुश्किल हो रहा है। अब बीजेपी ने भीड़ जुटाने के लिए एक नया उपाय भी तलाश लिया है, तो कैसे अपनी रैलियों में भीड़ जुटाएगी बीजेपी, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में 300 दिन से भी कम का समय बचा हुआ है और सभी राजनीतिक दल चुनाव की रणनीति बना रही है। बीजेपी हाईकमान ने मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को बताने के लिए अपने सभी सांसदों से क्षेत्र में बड़े बड़े आयोजन करने के निर्देश दे दिए हैं, लेकिन बीजेपी सांसदों के कार्यक्रमों में लोगों की भीड़ नहीं जुट पा रही है। बीजेपी नेता इसके पीछे तेज गर्मी को जिम्मेदार बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष का दावा है कि जनता बीजेपी के कार्यक्रम से दूरी बना रही है। सांसदों की चिंता इस बात की भी है कि कार्यक्रम के वीडियो और फोटो बीजेपी के सरल ऐप पर भी अपलोड करना है, ऐसे में भीड़ जुटाने के लिए सांसदों ने नया तरीका खोजा है। दरअसल खबर है कि यूपी में बीजेपी सांसद पीपी सरोज ने जौनपुर जिले के डीएम अनुज झा को चिट्ठी लिखकर इस कार्यक्रम में भीड़ जुटाने में मदद करने को कहा है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि लाभार्थियों को लाने के लिए संबंधित अफसरों को आदेश करें। डीएम अनुज झा ने इस चिट्ठी को सीडीओ के पास भेजा, फिर सीडीओ ने सांसद की मदद के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिया। जिले के एसपी से लेकर मजिस्ट्रेट तक को ये चिट्ठी भेजी गई। यानी अब बीजेपी के आयोजन में भीड़ जुटाने की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन को सौंपी जा रही है, जो लोगों पर दबाव बनाकर पार्टी के कार्यक्रम में लोगों को शामिल होने के लिए मजबूर करेगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब बीजेपी के रैली में लोग आने को तैयार नहीं है। शायद यही वजह है कि अब बीजेपी सांसद को लोगों की भीड़ जुटाने के लिए डीएम को पत्र लिखकर मदद मांगनी पड़ी। और इन तमाम बातों के बीच हैरानी वाली बात यह है कि बीजेपी सांसद के पत्र में लिखे गए अर्जी को डीएम ने मंजूरी भी दे दी है। वहीं इस मसले को लेकर अब विपक्ष के नेता भी बीजेपी पर जमकर हमला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में सपा के नेता और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि पार्टी भीड़ जुटाने के लिए सरकारी अफसरों के आगे हाथ फैला रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।